Here I am with preposition. आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके जो टेस्ट में प्रपोजिशन आते हैं या इंडियस में प्रपोजिशन आते हैं, तो यहाँ पर अभी अभी के अभी मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टू का इस्तेमाल आप गोइंग डायरेक्शन के लिए करोगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही सेंट अ गिफ्ट टू अली. तो यहाँ पर टू अली मैंने इससे इस्तेमाल कर दिया बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट गोइंग डायरेक्शन. ये गिफ्ट अली की तरफ जाएगी, तो मैंने टू का इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे. तो गोइंग डायरेक्शन के लिए आपने टू इस्तेमाल कर दिया. सेकंड, देयर आर सम वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स जिसके साथ आप टू लाजमी लगाओगे, लाइक सेंड, राइट, लिसन, हैंड. फॉर एग्जाम्पल, आई हैंडेड माई मोबाइल टू अली, और आई हैंडेड टू अली माई मोबाइल फोन. आई लिसन टू हेम, आई रोट अ लेटर टू अली, आई रोट टू अली अ लेटर. तो इन इसी वर्ब के साथ आपने यू नो टू इस्तेमाल कर देना. एज वेल एज टू कैन ऑल्सो यूज इन टाइम फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल, इट इज 8:45, सो यू जस्ट कॉल इट क्वार्टर टू 8 इन द एग्जैक्ट फार्मूला. सो टू आप यू नो टाइम फार्मूले के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो. टू कैन ऑल्सो बी यूज एज एन इन्फिनिटिव. आप इसको एज इन्फिनिटिव इस्तेमाल कर सकते हो. मतलब आपने टू को बेसिक वर्ब के साथ जब आप लगाओगे, तो इस टू का मतलब टू एज अ बेसिक वर्ब जब आप इस्तेमाल करते हो, तो इसको आपने इन्फिनिटिव कह देना है. तो जब टू बेसिक वर्ब के साथ आ जाए, तो ये एज अ इन्फिनिटिव ही काम कर देगा. टू आप अप्रॉक्सीमेट नंबर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो. फिर हम कहते हैं कि तकरीबन, तो हम उसके लिए टू इस्तेमाल भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि क्लास में तकरीबन 30 से 40 तक स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कहूँ कि देयर आर 30 to 40 स्टूडेंट. तो टू को मैंने अप्रॉक्सीमेट नंबर के लिए इस्तेमाल कर दिया. तो ये यूज़ आप याद रखो, गोइंग ऑन डायरेक्शन के लिए, टाइम फॉर्मूले के साथ अप्रॉक्सीमेट नंबर हमें दिखा देता है, और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके साथ हमने इस्तेमाल कर देने, लाइक राइट, स्पीक, हैंड एंड लिसन. इसके साथ भी आपने इस्तेमाल करने. मेनी मोर वी हैव अ लॉट एज वेल. और इसके साथ साथ आप टू को इस्तेमाल कर सकते हो एज अ बेसिक वर्ब के साथ. जब आप इस्तेमाल करें टू प्लस बेसिक वर्ब कर दो, तो इसका मतलब होता है कि आपने इससे आप इससे इंटरनेटिव बना रहे हो. तो आप टू से के साथ बेसिक वर्ब लगाते हो, इससे आप इंटरनेटिव भी लगा सकते. नाउ लेट्स लर्न इन टू. इन टू जो हमारे पास दो प्रपोजिशन एक साथ है, वन इज एन एंड वन इज टू. तो टू को मैंने कह दिया कि आप इसका इस्तेमाल करें गोइंग ऑन डायरेक्शन के लिए, और इनका मैंने एक्सप्लेन किया. अगर आप नहीं जानते, तो यहाँ पर एक लिंक मौजूद है, इस पर क्लिक कर दो, यू विल गेट द आइडिया अबाउट इन, ऑन एंड एट. तो इन हम इस्तेमाल तब करते हैं जब आप किसी चीज़ के अंदर हो. लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम इन द रूम. तो यहाँ पर मैं इन द रूम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस कमरे के अंदर हूँ. तो इन हम इस्तेमाल करते हैं अंदर चीज़ के लिए, और टू हम इस्तेमाल करते हैं गोइंग ऑन डायरेक्शन के लिए. तो जब आप इन टू की बात कर रहे हो, तो इन टू तब इस्तेमाल होगी जब आप किसी भी एक डायरेक्शन की बात कर रहे हो जो इनसाइड हो रही हो. तो वही जाना, वही गोइंग ऑन एक्शन विच इज़ इनसाइड. तो फिर आपने इस्तेमाल कर देना है. फॉर एग्जांपल, मैं कहूँगा कि आई एम जंपिंग इन टू द रिवर. तो रिवर का जो मेरा मोमेंट होगी वो इनसाइड होगी, तो मैं कहूँगा इन टू द रिवर. सेम हमारे पास ऑन टू भी है. ऑन जो का मतलब है सरफेस, वो वाला सरफेस जब जहाँ पर आप मोमेंट नहीं कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर. तो ऑन मैं इसलिए इस्तेमाल करूँगा जो मैं मोमेंट नहीं कर रहा. लेकिन अगर आप इसके साथ टू लगा लो, तो टू का मतलब है डायरेक्शन, और ऑन हम सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो गोइंग ऑन डायरेक्शन, किसी भी सरफेस पर अगर आप चल रहे हो, फिर आपने इस्तेमाल कर देना है ऑन टू. तो दोनों में फ़र्क यही है कि इन टू मतलब कि आपका जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है, और ऑन टू मतलब कि आपका जो डायरेक्शन वो सरफेस के ऊपर है. फॉर एग्जांपल, आई एम वॉकिंग ऑन टू द फ्लोर. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि आई एम वॉकिंग ऑन द फ्लोर, जो बिल्कुल गलत है. तो आपने कह देना है आई एम वॉकिंग ऑन टू द फ्लोर. आई एम जंपिंग इन द रिवर इज रॉन्ग. आई एम जंपिंग इन टू द रिवर इज कम्प्लीटली करेक्ट. अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द न्यू वीडियो. जो पार्ट नंबर टू था ही, तो आप अगर आप पार्ट नंबर फर्स्ट के बारे में नहीं जानते, जिसमें मैंने ऑन और एन और एट का इस्तेमाल किया था, तो आप वहीं पर जाके यू विल गेट इट हाउ टू नो अबाउट द यूज ऑफ ऑन, एन एंड एट. एंड एज वेल एज वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट नंबर थ्री. एंड टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.